देखिए, जो 13 सालों में उत्तराखंड की दुर्दशा हुई है, कांग्रेस और बीजेपी ने दुर्दशा की है, उसके लिए ये दोनों दल जिम्मेदार हैं। और यहाँ पे इन 13 सालों में जो है रोज़गार सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है, और पलायन जो है सबसे ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, और जंगली जानवरों का आतंक है, कृषि भूमि ख़त्म होगी, इसलिए जो है यहाँ का जो पढ़ा लिखा बेरोजगार युवक है वो पलायन कर रहा है। तो हमारा मानना है कि यदि हमको हमारे पक्ष में मतदान होता था, हम इनके साथ जो है जनता के साथ लड़ करके यहाँ पे छोटे छोटे हर ज़िले में छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए संघर्ष करेंगे। शिक्षा के साथ हमारा मानना है कि जो शिक्षा नीति है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो है समान शिक्षा नीति लागू हो, ताकि जो प्राइमरी स्कूल की जो दुर्दशा है और वो दुरुस्त हो सके। देखिए, सड़कों को लेकर के हम लोग जो है बिजली या सड़कों जो भी यहाँ की समस्याएं हैं उनको लेकर के उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी हमेशा संघर्ष करते आई है। हम जो भी यहाँ के मुद्दे हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनके लिए हमेशा संघर्ष करेंगे जनता के साथ मिलकर। हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं के जो भी अधिकार हैं उनको जो है धरातल पर लागू हो, और हमारा ये मानना है कि यूपी की सरकार जो है 2 बार केंद्र में रही, अभी तक जो है वो 33% आरक्षित महिलाओं के लिए आरक्षण लागू नहीं कर पाई है। हम इन महिलाओं के मुद्दों को भी महिलाओं के साथ लड़ेंगे।